झारखंड विधानसभा चुनाव में सियासी समर में जुबानी हमले भी खूब हो रहे हैं। गिरते पारे के बीच बयानों की तल्खी ने राजनीतिक तपिश बढ़ा दी है। सियासत एक बेशर्म शख्स है जिसकी सूरत और सीरत दोनों खराब है। इसी कुरूप राजनीति का एक चेहरा संताल के रण से पहले नजर आया। तल्ख बयानबाजी में मर्यादा के कपड़े कुछ ऐसे उतरे कि संताल क्या पूरे झारखंड की नजरें शर्म से झुक गई। किसी ने मंच से ही गाली दे दी तो किसी ने पूरे धर्म पर ही सवाल खड़े कर दिए। पर सियासत है कि मानती नहीं, सबको अपने फटे कपड़ों की जगह सामने वाले के कपड़ों का छेद ही दिख रहा है। जाने कितने अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्यों राजनीतिक दलों की और नेताओं की विश्वसनीयता कम होते जा रही है ऐसे ही आचरण की वजह से। मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी हताश और निराश हो चुकी है। इनको लग गया है कि हम नकारे जा चुके हैं, और जब इंसान नकारा जाता है तभी उसकी जवान फिसलती है। बीजेपी को ये तो लगता है कि गलत बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, पर अपनों पर वो चुप है और दूसरों पर हमलावर। निराश होकर के इस तरह से बयान दे रहे हैं जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। राजनीतिक व्यक्ति को इस तरह की भाषा पर संयम रखना चाहिए, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किस किस से बात करें, किस किस को रोएं, आराम बड़ी चीज है, सिर ढक कर सोएं। इसी शेर से आम आदमी की हालत झारखंड में बयां हो जाती है। बाकी हर फैसले के लिए 23 तारीख तो मुकर्रर है ही। न्यूज 11 भारत के लिए अमिता की रिपोर्ट।